हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के टॉप 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि परीक्षा में भूगोल से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में बैठने से पहले आपका कोई प्रश्न छूटने ना पाए, इसीलिए हर प्रश्न का रिवीजन जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को इवनिंग का तारा कहा जाता है। अगला सवाल, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि। टाइटन शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्सा मेसर अथवा बिग बियर क्या है? तो ये एक नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष कब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? तो सूरज सबसे करीब होता है 3 जनवरी के दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या क्रीट या कोरोना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आकाश का सबसे तारा चमकदार है सीरियस या डॉग सीरियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने साल का होता है? तो ये 76 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन नंबर ए, बुध है। अगला सवाल, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मीथेन, क्योंकि वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई इसलिए देता है, मीथेन की उपस्थिति सबसे अधिक होती है, इसीलिए हरे रंग का दिखाई देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान से पढ़ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह, क्योंकि सबसे पहला ग्रह है सबसे बड़ा वो है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट, साउथ पोल या दक्षिण पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण पोल पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसेन थे। नेक्स्ट सवाल,
सुपरनोवा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मृत प्राय तारा। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी महीने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनवरी। अगला सवाल, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग दूरी होती है 111 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। अगला सवाल, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? पूछा जाता है कि कुल अक्षांश और कुल देशांतर बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट का। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यम काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीनविच मध्य रेखा या GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो ये होता है 5 घंटे 30 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। देखते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UK। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अग्यन चट्टान का एक प्रकार है? तो अग्यन चट्टान का एक प्रकार है ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला सवाल 31, चूना पत्थर या लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं कायांतरित रूप है, किसका कायांतरित रूप है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर का। अगला सवाल, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगाइए। तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सुनामी किस भाषा का शब्द है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, S। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय तरंगों को मापने में काम लाया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सीस्मोग्राफी किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का मापक यंत्र है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर में है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से? तो यह है प्रशांत महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट सवाल, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। अगला सवाल, एंडीज पर्वत उदाहरण है? डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है पेपर में, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? एंडीज बलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है?
रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट पर्सन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन 78%। अगला सवाल, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण होता है समताप मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन किस में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरमंटन को। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिटिकाका। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो खारे पानी की झीलें कौन है? वो है मृत सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मृत सागर, जिसे डेड वैली बोलते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 57, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी टिटिकाका हनीमून लेक कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहलाता है फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। इस क्लास का अंतिम सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी एंजल जलप्रपात। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में स्थित है? राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।